हे गाइस, तो भाई हम आ गए हैं जिम से और अब हमारी चल रही है डाइट। दिखा भाई, ये टिंडे की सब्जी और ये क्या करेला, और ये भाई हमारा लौनी की अपना घर का वो भी। और भाई मेरी चल रही है, वैसे तो मैं बिना चुपड़ी रोटी खाता हूँ, लेकिन मम्मी ने थोड़ा सा घी लगा दिया है दिखाने के लिए, समझ रहा बात, रोटी को पागल बना दिया कि हाँ। चिंटू डाउन इन द हाउस, बहुत दिन बाद। चिंटू कितने साल बाद खा रहा है तुम्हारी रोटी? यही कोई 15-20 साल बाद। 1961 में खाई थी। कॉलेज के टाइम पे जब हम पढ़े करे पेपर में, जब तो तू खाई करो, आता रह करो जब, है ना। पर पैक करवा के ला गया घर से ना, पर कभी कभी तो तू खा ले करो ना, जब तू ना लाए करो। और कॉलेज में भी खाई ले करे हम। खा भाई खा। अरे भाई रोटी न मत दिखा भाई। भाई तो दिखा रहा हूँ, रोटी ना दिखा रहा हूँ। भाई मोर की आवाज़ आपको सुनी गई होगी, मतलब इधर से दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे कई सारे मोर बैठे हैं, आपको नहीं दिखेगा वीडियो में, मेरे को दिख रहा है सामने से। एक बार जूम करके दिखाऊँ आपको, देखो ये बैठी मोरनी बीच में, देखना पार्क में घूम का छिपक ली, गिर गई मेरे पैर पर, लेफ्ट वाले पर, गेट खोलते एकदम। कई जगह बेकार लग रही है, कई जगह बढ़िया लग रही है। गेट तो भाई हो गए हैं रेडी, आज कैजुअल्स में फॉर्मल्स नहीं है, मंडे और थर्सडे को होता है बस हमारा फॉर्मल्स। अब मार लेते हैं थोड़ा कपड़ा बैठने लायक, और आज ना यार लेट भी हो गया, और रास्ते में पानी भी मिलेगा तो और लेट जाएंगे। अब सीधा मिलते हैं आपसे गाड़ी में। वेलकम बैक टू द चैनल, पहुंच चुके हैं भाई गाड़ी में। आज भाई इतना पानी बहुत बुरा हाल था, मतलब एक जैसे जिस रास्ते से मैं नॉर्मल आता था ना, मुझे पता था इस रास्ते पे पानी रहेगा, और मेरे को दिख भी गया दूर से कि पानी भर रहा है, तो मैंने दूसरा रास्ता ले लिया। तो दूसरा रास्ता था कीचड़ वाला, ऐसा होता है ना उनकी, जैसे रोड बनने वाला पत्थर पड़े हैं और वो लाल वाली मिट्टी होती है, तो पूरे में कीचड़ हो गई। मैंने कहा यार कहाँ फंस गए, इससे बड़े तो पानी का ही था, कीचड़ पर छीट छीट पानी में, क्या पता गड्ढा कहाँ पे हो, नहीं पता पानी में, ये दिक्कत है। हाँ बट कीचड़ वाला सेफ था रास्ता, ये सही बात है, दिख रहा होता है कि कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं। पानी वाले में तो कुछ पता ही नहीं है, तो गटर का ढक्कन निकल रहा और सीधी सुमे चली जाएगी। भाई आज प्रिंस ने मुझे चश्मे पकड़ा दिए, कमेंट करके बताओ कैसे लग रहा हूँ। अब बाल और खराब हो गए हेलमेट से ना, आज लाइट भी नहीं आ रही, पूरा बसड़बाज होगी। पता नहीं भाई कैसे बेमौसम बरसात हो जा रही, 10-15 दिन हो गए बारिश ही बारिश। सही भी है एक तरीके से कि गर्मी नहीं आ रही, बट वैसे मौसम है नहीं बारिश का। तो भाई 20 क्वेश्चन का क्विज परफॉर्म कराएंगे आज हम, ऑर्गेनाइज करेंगे, 4 टीमों की। और मैं सोच रहा हूँ एक रूल ऐसा रख देते हैं कि तो मैंडेटरी की हर टीम में एक टीचर फिक्स होगा। टीचर ये सही रहेगा ना भाई, बहुत भाई टीचर बहुत हेजिटेट करते ना, आज मौका मिला है मुझे तो कह देंगे कि ये रूल मैंडेटरी है कि हर टीम में फैकल्टी मेंबर कंपलसरी होगा। क्या होगा, ये स्लाइड वगैरह चेंज करता रहेगा, मैं क्वेश्चन वगैरह पढ़ के पूरा किसका सही आंसर है गलत, और प्रिंस जो है वो हमारा पॉइंट्स नोट करता रहेगा हर टीम के आगे, है ना प्रिंस। और प्रिंस ये भी ध्यान रखना है कि किस टीम ने कौन मतलब पहले बजर बजाया है ना, वही तो मेन है क्योंकि मान लो तीनों टीमों को सही आंसर आता है तो जिसने पहले दबाया है ना तो उसको चांस दिया जाएगा। और दूसरा बैलून वाला गेम है, उसमें देखा ही होगा ना, बहुत मूवीज में भी होता है, मतलब छोड़ पिछला देश में होता, चारों टीमों को एक बैलून देंगे जिसने पहले अरे भाई प्रिंस ये कैसे रहेगा, ये बलून तो लेके आया है तीनों टीमों के आगे, एक एक बलून का मतलब 10-10 बार क्वेश्चन, कितने 20 बलून रख देंगे, तो जो बंदा जिस टीम ने पहले बलून फुलाया ना उसको आंसर देने का मौका दिया जाएगा। पहले नहीं फुलाना नहीं है, फोड़ना है। भाई इतनी भसड़ हो गई आज, हमें इतनी क्लियर में आना था, और पता लगा है दिमाग खराब हो गया, और मैंने इनको सुबह मैसेज डाला था और किसी ने नहीं बताया, याद भी नहीं दिलाया। मैंने मैसेज तेरा कब देखा था, और ये कह रहा है मेरी शर्ट तो कुर्ते जैसी लग रही है पहले ही, ज्यादा बचने के बहाने ढूंढ रहा, और मैं तो भाई एकदम कैजुअल में, और मैं सुबह आपको अभी व्लॉग में मैंने बताया था कि आज तो कैजुअल में जाना है, भी खेलने जा रहा हूँ। अरे यार, अरे मैं इनसे कह भी रहा था कि कल मैं फॉर्मल में था, थर्सडे को फॉर्मल होती है और बाकी दिन कैजुअल, लेकिन मैंने बोला कि आज इवेंट है भाई, बारिश है बहुत, बंदे कमाएंगे आज। दियो प्रिंस बैग दे लो, और कुछ तो नहीं है, देखियो कैसा लग रहा हूँ मैं, ले ले किसका ही अंकित है ना ये भाई, मेरे एथनिक वेयर देख लो। फाइनली हमारी क्विज की प्रिपरेशन चल रही है, बस एक बार लास्ट में आंसर वेरीफाई कर रहे हैं, अपन हमारे आंसर गलत निकल जाएगा और उधर से किसी को सही पता होगा लंका लग जाएगी।
इसको कर लिया। तो बस पहले ना कॉपी पेन से नोट कर लिए थे, अब हमने एक एक फ्लैग उसमें ही डाल दी क्वेश्चन के नीचे, क्योंकि दिखाना पड़े मतलब किसी को डाउट हो कोई माने ना तो उसके नीचे ही सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किसका आंसर सही था किसका गलत था। तो बस अभी फाइनल टचअप दे रहे हैं पर आंसर वेरीफाई करके, उसके बाद भाई ब्रेकफास्ट करके उसके बाद से इवेंट हमारा शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे इवेंट में। भाई आज का इवेंट हो गया हमारा, भाई इतना फाड इवेंट हुआ, इतना फाड मौज, एकदम मौज भाई। आज से पहले हमने कभी कोई इवेंट अटेंड मतलब ऑर्गेनाइज नहीं करा, इवन किसी में हमने तो पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। बस भाई मान जा तो तेरी हवा निकल गई थी, यहाँ सीटी बजा रहा है। प्रिंस ने भी बहुत ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है ना प्रिंस। भाई प्रिंस आज खुल गया, इसका ना थोड़ा जो झिझक थी ना निकल गई, इसको ना वो था स्टेज फियर, स्टेज पे नहीं जाता था, तो आज इसने भाई खुद से जाके अपना पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही सही इवेंट रहा आज का हमारा, मेरा तो गला और बैठ गया भाई। 20 क्वेश्चन थे ना और 4 राउंड थे, 5-5 क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसका आंसर। भाई नहीं भाई नहीं चाहिए, इन पे तो चालान हो रहा यार। अरे खूब हुआ है, लगा नहीं सकते शेडर और क्या भाई, इन पे ना चालान है, जैसे विंडो कवर कर लेते हैं ना ब्लैक वाले कर्टेन पे चालान होता है बहुत तगड़ा, 10,000 का। एक बार गाड़ी रोक ली थी तरुण की, फिर कह रहे थे 10,000 का चालान होगा, फिर शर्मा शर्मी हाँ ऐसे नहीं लगा सकते। वही बात है भाई, तुम शीशे काले करा लो या फिर तुम ये कर्टेन लगा लो, दिखेगा तो यही नहीं अंदर कौन है, तो एक ही बात पड़ जाती है। चल भाई चल, गुड बॉय है तू तो। अभी भी भाई पार्क में हो रखे हैं पूरे पत्ते ही पत्ते, जस्ट भाई अभी पहुँचा हूँ घर पे, लगभग 5 बजने वाले हैं और कपड़े भी चेंज नहीं करे हैं, जस्ट अभी आते ही मैं इनसे देख लेता हूँ। जैकू से मिल लेते हैं अपने जैकू से। जैकू बेटा शू कर दे, शू जैक शू, कौन है देख जल्दी 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 जल्दी, गुड बॉय गुड बॉय। अब भाई 5 बज गए हैं, 6 बजे फिर जिम जाना है, 6 से 7-8 ही बज जाएंगे, 8-2 घंटे तो लग जाएंगे। 6 बजे हाँ 1 घंटे का रेस्ट करें, 6 बजे जिम पहुंचूंगा, फिर 1-1.5 घंटे की जिम होएगी, 1/2 घंटे की कार्डियो, 2 घंटा हो जाएगा। 8:30 से फिर मेरी ऑनलाइन क्लास होगी न्यूट्रिशन की, ऐसे ही दिन निकल जाता है। सुबह के 6:30 बजे निकलो, कब कब में 9 बज जाते हैं 10 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना जैक। ए बेटा मिस नहीं करता तू भैया को, ए भाई तू बाल लगा देगा मेरी पूरी पेंट पे, वैसे इस तो मैंने इसके कॉम्ब कर रखे थे। ओह गुड बॉय है, बहुत अच्छा गुड बॉय है, ये तो गुड बॉय है ये। यार मर गया यार, सही में मर गए गुलाब, तो नया लगाना पड़ेगा अब कुछ और इसकी जगह, पता नहीं क्या रीज़न हुआ है। अब डेजर्ट रोज में आने वाले हैं फ्लावर, जैक छोड़ देगा तो इनको, वरना ये इन पे सूसू कर करके मार देता है। आ जा बेटा चल रहे हैं, चलो भाई चेंज करता हूँ, मिलते हैं उसके बाद, या तो जिम से जाने से पहले मिलूंगा या जिम से आने के बाद मिलूंगा। तो भाई 9 बज गए, मैंने पहले ही आपको बोला था जिम से आते आते 9 बजेंगे, तो मैंने आज की पोस्ट वर्कआउट एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगा आप, मतलब इससे पहले ही आपको दिख गई होगी 15-20 सेकंड की, आज की मेरी वर्कआउट के बाद की क्लिप है। तो मैंने आपको बताया था जैसा मेरा फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और 1-1.5 महीने बाद जब अच्छे से बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना तब डालूंगा पूरी 5-10 मिनट की अच्छे से वीडियो बना के वर्कआउट की।